नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पा। यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो भिंडी। इसे अच्छे से धो लिया है और फिर सुखा लिया है। अब भिंडी काटने का तरीका कुछ अलग है। इसका डंठल हटा देना है हमें। पीछे वाला भाग ओके हो तो ठीक है, अगर काला सा हो तो उसे भी हटा दीजिए, इसका अच्छा है। अब भिंडी को बीच में से स्लिट करिए। पीछे से स्लिट नहीं होनी चाहिए और इसके 1 से 1.5 इंच के पीसेस काट लीजिए। इसी तरह से सारी भिंडियाँ काट लेनी है। ऐसा करने से भिंडी के अंदर मसाला बहुत अच्छे से भर जाएगा, तो सारी भिंडियाँ ऐसे ही काट लेनी है। सारी भिंडियाँ काट ली हैं। यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चियों को बारीक काट लिया है और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने कद्दूकस कर लिया है। आंच पर मैंने चढ़ा दिया है पैन और इसमें गर्म हो रहा है 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। भिंडी और बैंगन सरसों के तेल में लाजवाब बनते हैं, बाकी आपकी अपनी चॉइस है एडिबल ऑयल की। तेल हो गया है गर्म, इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच कलौंजी, आंच मैंने सिम पर रखी है, 1 चम्मच राई के दाने, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, मोटी वाली सौंफ है ये, 1/3 चम्मच हींग। सारी चीजें मिक्स कर रही हूँ। मसालों के चटकने की आवाज आ रही है। अब डाल रही हूँ हरी मिर्चियाँ। लो फ्लेम पर आंच रखेंगे तो सभी मसाले इक्वली पकेंगे। अब ऐड कर दे रही हूँ सारी भिंडियाँ। तो मसालों का जो अरोमा है उसे भिंडियाँ बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब फ्लेम आप मीडियम टू लो रख सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर भिंडियों को पकने देना है और थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें चलाते रहना है। 2 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक थोड़ा हाथ खींच कर डाला है, मतलब ज़रूरत से थोड़ा कम। आगे बताती हूँ क्यों। अब हम इसे ढाँक कर पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में लिड हटाकर इसे बीच बीच में चलाते रहना है। भिंडियाँ हमारी पक रही हैं, तब तक तैयार कर लेते हैं मसाला। यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। कच्ची सौंफ हमने तड़के में भी डाली थी और यहाँ सौंफ का पाउडर डाल रहे हैं। सौंफ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है भिंडी के साथ। साथ ही अपनी पसंद के अनुसार गरम मसाला डाल दीजिए। 1 फ्लैट चम्मच यहाँ मैंने ऐड किया है। साथ ही यहाँ भिंडियों को भी बीच बीच में चलाती जा रही हूँ। आप देख रहे हैं भिंडियाँ रिड्यूस हो रही हैं और पकने लगी हैं। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर 1 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आमचूर पाउडर डालते समय ध्यान रखिए कि वो पुराना नहीं होना चाहिए। पुराना होगा ना तो सब्जी का स्वाद कड़वा कर देगा। मैं आमचूर पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ, आगे बताती हूँ कि मैं क्या डालूंगी। तो ये हमारा तैयार है मैजिकल मसाला। थोड़ा सा और भिंडी हम पकाएंगे। भिंडियों को लगभग पक जाना चाहिए। ये भिंडी हमारी लगभग 10 मिनट से पक रही हैं मीडियम फ्लेम पर। अब ये तैयार हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैजिकल मसाला। मसाले आखिरी में ऐड करने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस वक्त डालने से मसाले जलते नहीं हैं, भिंडी बहुत अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, स्वाद और खुशबू दोनों ही बढ़ जाता है। हमने भिंडी बीच में से स्लिट की थी तो अब ये सारे मसाले भिंडी के अंदर चले जाएंगे, अंदर तक बहुत अच्छा स्वाद आएगा। इसके बाद इसे ढाक कर पकाइए। मसालों का स्वाद और अरोमा बहुत अच्छे से एनहेंस होगा। इस भिंडी को पकाते समय आंच कम फ्लेम पर ही रखनी चाहिए।
एक से डेढ़ मिनट बाद। लाजवाब खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसमें डाल रही हूँ ग्रेटेड अदरक। अदरक पहले से नहीं डाला, नहीं तो भिंडी के पकने के साथ अदरक जलने लगता, तो अदरक आखिरी में डालने से इसका खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, क्रंच भी देता है, स्वाद भी बढ़ाता है। अब एक से डेढ़ मिनट इसे ओपन ही पकाइए। देखिए भिंडी हमारी पक गई है। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक नींबू का रस। ताज़ा नींबू का रस भी गजब स्वाद ऐड करता है। अब जो फाइनल इंग्रेडिएंट बचा है ना, वो है एक छोटा चम्मच काला नमक। काला नमक आखिरी में ऐड करने से भिंडी में एक बेहतरीन स्वाद आएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि शुरुआत में नमक हाथ खींच कर डालना है। बस आज को कर दिया है मैंने बंद। ये हमारी अचारी भिंडी बन कर तैयार है। गर्मा गर्म फुलकों या पराठों के साथ इन्हें सर्व कीजिए। एक बार आप ऐसे भिंडी बना लेंगे ना, तो हर बार ऐसे ही बनाने का मन करेगा। बहुत स्वादिष्ट बनती है, टिफिन में भी दी जा सकती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक इसे मांग मांग कर खाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।